कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व केंद्र बैंक ने ग्राहकों की 3 महीने की ईएमआई पेमेंट को टाल देने के लिए बैंकों को आदेश दिया। इसका मतलब लोगों को 3 महीने के बाद पहले की तरह हर महीने ईएमआई चुकाना होगा। केंद्र बैंक के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक समेत अन्य सभी बैंकों ने सभी तरह के लोन की किस्तों में 3 माह की रोक लगाने के बारे में जरूरी निर्देश जारी किए, लेकिन ग्राहक अब भी असमंजस में है कि 3 माह तक ईएमआई टालने से उनको फायदा होगा या नुकसान। अब हम लोगों को यह बता देते हैं कि 3 महीने की छूट पर ग्राहकों को फायदा होगा या उन पर बोझ पड़ेगा। आपको बता दें कि अगर आप 3 महीने किस्त नहीं चुकाने का विकल्प चुनते हैं तो लोन की अवधि 3 महीने और बढ़ जाएगी, जिसके बाद 3 महीने के दौरान लगने वाला ब्याज भी आपसे वसूला जाएगा या आगे की ईएमआई के साथ बढ़ जाएगा। अगर ग्राहकों ने 3 महीने के लिए ईएमआई में छूट का विकल्प चुना है तो वह जून में इन 3 महीनों का लोन पर लगने वाले ब्याज को दे सकते हैं। वहीं ब्याज दर बकाया राशि में जोड़ी जा सकती है, जिससे बाकी के महीनों में आपकी ईएमआई बढ़ सकती है। ऐसे में देखा जाए तो ग्राहकों के ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि लोन की जितनी अधिक अवधि बची होगी उतना ही लोगों पर बोझ बढ़ेगा। इसे ऐसे समझना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति ने 8.5% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है और उसने पहले ही 105 ईएमआई का भुगतान कर लिया है तो बकाया मूल राशि 15,05,408 रुपए हुई, जो उसे 135 और ईएमआई में पूरी करनी है। लेकिन अगर वह 3 महीने में ईएमआई पर छूट का विकल्प चुनता है तो उसे इंटरेस्ट कंपोनेंट के तौर पर 32,217 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर वह अपने पहले वाली ईएमआई की रकम 17,356 रुपए को जारी रखना चाहता है तो वह 140 महीनों में लोन पूरा कर सकेगा, यानी इससे उसकी लोन की अवधि 5 माह बढ़ जाती है। इस अवस्था में ग्राहक के पास कुछ ऑप्शन है, हम 2 के बारे में आपको बता देते हैं। पहला, ग्राहक ईएमआई की राशि बढ़ाए और टर्म में इजाफा न करे, जिससे ईएमआई 17,356 रुपए से बढ़कर 17,728 रुपए हो जाएगी। ग्राहक पर दूसरा ऑप्शन यह है कि वह 3 महीने के ब्याज का भुगतान एक साथ करके इसके अलावा 1 या 2 वर्ष तक के ब्याज का भुगतान कर दे। मालूम हो कि लॉकडाउन के ऐलान होने के बाद केंद्र बैंक ने अर्थव्यवस्था में और अधिक पैसा डालने के लिए रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो में कमी करते हुए बैंकों को राहत दी। इसके अलावा ग्राहकों को 3 महीने की ईएमआई में छूट देने का फैसला लिया, लेकिन 3 महीने की ईएमआई पर छूट से ग्राहकों को थोड़े टाइम के लिए राहत मिलेगी। इससे अधिक कुछ नहीं होने वाला, बल्कि ग्राहकों पर बोझ जरूर पड़ सकता है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।